साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको एक प्रैक्टिकली गाय के किस तरीके से विस्प्रेक स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है ये बताया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे ये स्प्रे थनेला का पक्का इलाज करता है। पूरी बातें आज के इस छोटे से वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला है। देखिए मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, पैनल पर आप फोटो में देख रहे हैं, ये स्प्रे है विस्प्रेक एडवांस स्प्रे। विस्प्रेक एडवांस स्प्रे, ये जो स्प्रे है उसको जब हम खोलेंगे तो कुछ इस तरीके के दो पार्ट इसमें निकलते हैं खोलने के बाद, और ये जो निकलता है ना इसका ऊपर का हिस्सा देखिए नुकीला सा है ना, यानी कि थन में डालने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ये नहीं कहती कि आप थन में डालिए, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना वो जब थन रुक जाता है उसमें बहुत ही बढ़िया है। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम आता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कितना करना है। सारी बातें आज के इस वीडियो में क्लियर होगी। तो देखिए पहले कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। जब भी आपको लगे कि थन कड़े हैं, मतलब हार्ड थन है, या थन पर किसी भी प्रकार की स्वेलिंग है, यानी आपको कोई भी सूजन अगर थन पर नजर आ रही है, या आपको लग रहा है कि थन कड़ा है, कई बार जब हम दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के बाद भी थन जो है वो कड़ा सा यानी मोटा सा सूजन लिए हुए नजर आता है, कई बार जब गाय भैंस बच्चा देती है तो उस समय एडमेटा स्वेलिंग आती है, तो इन सभी प्रकार की सूजन के लिए बहुत शानदार है। यानी कि सूजन से रिलेटेड जितने भी मैस्टाइटिस है, देखो मैस्टाइटिस के रूप बहुत ज्यादा होते हैं, और हमने सभी डेयरी फार्मर्स को मैस्टाइटिस की जानकारी के लिए एक अलग से सेशन तैयार किया है जो 10 दिन का सेशन होगा। कोई भी अगर मैस्टाइटिस का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैस्टाइटिस कई प्रकार की होती है, और हर मैस्टाइटिस में जहां पर भी आप सूजन देखते हैं, जहां पर भी आप दर्द देखते हैं, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटी इंफ्लामेटरी है और एनाल्जेसिक है, यानी सूजन में भी ये काम करता है, तो जहां पर भी दर्द है वहां पर भी काम करता है। कई बार आपने देखा होगा हल्का सा थनेला, हल्की सी मैस्टाइटिस की शिकायत होती है, और पशु जब भी हम हाथ डालते हैं दूध निकालने के लिए एक पर्टिकुलर थन में जितने में उछल जाता है दूध देता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर गाय भैंस दूध नहीं दे रही है तो आप क्या करेंगे। गाय भैंस अगर दूध नहीं देती है तो उस कंडीशन में आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सूजन को भी दूर करता है और दर्द को भी, यानी हर प्रकार का सूजन और दर्द। इसके अलावा कहीं पर भी क्रैक हो गया, चोट लग गई, या अपने आप क्रैक हो जाता है कई बार विटामिन की कमी की वजह से, कई बार कई दूसरे कारणों से, तो वो इलाज तो करना ही है, लेकिन साथ में इसका रिजल्ट सपोर्टिव थेरेपी में बहुत अच्छा है। इसके अलावा कई गाय में से ऐसी है जिनमें थनेला बार बार होता है साहब, तो वहां पर एज ए प्रिवेंटिव, यानी जब भी आपको लगे कि बच्चा देने के बाद थनेला हमेशा होता है, तो पहले ही आप इसका इस्तेमाल बच्चा देने से 2 दिन पहले ही करना शुरू कर दीजिए, बच्चा देने के 3 दिन बाद तक कीजिए, तो थनेला के बचाव में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। घाव कहीं हो गया है तो वहां बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा जब थन रुक जाते हैं या थन में से पतली धार आती है, यानी अंदर आपको लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, आपको लगता है कि अंदर छोटी गांठ सी है, आपने पशु चिकित्सक की मदद ली, उन्होंने गांठ निकाल दी, लेकिन फिर भी वो 2-4 दिन बाद फिर से रुक जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये नॉक काम आएगी, इसे थोड़ा जूम करके मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए ये जो नॉक है ये काम आएगी, और ये काम किस लिए आएगी, थन को और नोक को दोनों को, यानी कि जो टीट मीटस है जहां से दूध निकलता है, इसको और इसको मिला करके आप थोड़ा बहुत अंदर थोड़ा बहुत बाहर, क्योंकि जो सूजन आई है ना वो सूजन अंदर भी आएगी और बाहर से भी आएगी, थोड़ा बहुत अंदर थोड़ा बहुत बाहर दोनों जगह अगर इसका स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करना कैसे है। तो सीधी सी बात है, पहले आप थन को अच्छी तरीके से साफ कीजिए। साफ करने के लिए हम लाल दवा का पानी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, आपने पानी तैयार किया, लाल दवा का हल्का गुलाबी घोल बनाया, यानी आपको ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का गुलाबी लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट पर हमने वीडियो भी बनाया था, आप सभी को पता है, तो हल्का सा आप चुटकी भर एक बाल्टी पानी में डालेंगे और थन को अच्छी तरीके से साफ करेंगे। अगर आपके पास लाल दवा की सुविधा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप नीम का पानी भी यूज कर सकते हैं। नीम के पत्ते लीजिए, डंटल सहित ले लीजिए, उन्हें आप छोटे छोटे बारीक कर दीजिए और पानी में डाल दीजिए और बॉईल कीजिए।
बॉयल करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ पानी जो है वो हल्का सा हरा सा गाढ़ा सा हो गया, तो उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए और छान लीजिए, वही होगा नीम का पानी। ठीक है, तो वो जो नीम का पानी है उस नीम के पानी से आप साफ कर लीजिए अगर लाल दवा नहीं है तो। ठीक है भाई, तो ये काम आप कर लें तो बहुत ही शानदार रहेगा। अब साफ कर लिया, साफ करने के बाद कुछ भी नहीं है, सीधा यहां पर आपको एक बटन नजर आएगा, यहां इधर देख रहे हैं ना, ये आपको एक बटन नजर आ रहा है, मेरे हाथ में भी आप देख रहे हैं। तो इस बटन को अंगूठे की मदद से दबाया जाएगा, जितने में इसमें से दवा निकलेगी और जो स्प्रे निकल रहा है उसको आप अडर के ऊपर, गादी के ऊपर, थनों के ऊपर और कहीं पर भी जहां सूजन है वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थन की सूजन के लिए इसे बनाया गया है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी है। जब हमने प्रैक्टिकली गाय में करके बताया तो कई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके और कई पशुपालकों के प्रश्न आए कि सर ये है क्या, पूरी जानकारी दीजिए। तो आज मैं ये पूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब हमें ये देखना है कि इसको इस्तेमाल करना कितना है। भाई एक बार के लिए आप स्प्रे कीजिए, एक परत बनाइए, एक बार जब करते हैं ना बटन दबाते हैं तो एक परत सी बन जाती है, वो एक बार ही परत बनानी है और पूरे अडर पे जहां जहां सूजन है, जहां आप इफेक्ट लेना चाहते हैं वहां पर आप परत बना दीजिए। ठीक है, और सुबह और शाम दो टाइम, दिन में दो टाइम आपको इस्तेमाल करना रहेगा, दो टाइम आप इस्तेमाल कीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा। हर प्रकार के थनेला में देखो कई बार क्या होता है कि सूजन नहीं होती है, बाहर से सूजन नजर नहीं आती है, तो ये तुरंत जो ही आप लगाओगे ना तो ये डीप तक जाएगा और डीप तक जा करके और अंदर तक काम करेगा। यानी ऐसा हम सोचते हैं यार अंदर सूजन है तो इसको क्यों लगाएं, चाहे सूजन अंदर हो चाहे बाहर हो, कहीं पर भी अगर अडर में यानी गादी में और टीट पर कहीं पर भी अगर स्वेलिंग है तो उस स्थिति में हम आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है। देखिए बात जब अडर की आती है, गादी की आती है, तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि क्या पता ये नुकसान कर दे, क्या पता कोई हार्मफुल इफेक्ट हो जाए, क्या पता कोई गड़बड़ कर जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये आयुर्वेदिक है, किसी भी प्रकार का नुकसान ये नहीं करेगा। इसके अलावा इसे आप घर पे कैसे बना सकते हैं, एक ऐसा तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और उस तरीके से आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो घर पे आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी जल्द मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन वीडियो तभी आएगा जब ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स आएंगे। तो कमेंट्स कीजिए अगर आपको इसे घर पे बनाना सीखना है तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेके जल्द आता हूँ। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।